वेंटिलेटेड सीट से चल रही गाड़ी। ये देखो, ये देखो, ऐसा दबा रहा हूँ इसे, ऐसे दबा रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रही। बाहर से गाड़ी खुलवाओ और एक फीचर काम नहीं कर रहा। अब देख, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में ना हम जा रहे हैं गाड़ी में एसेसरीज लगाने वरना में। ये देखो सनरूफ दिख रही है, वरना है। तो गाइस टॉप मॉडल है, लेकिन एसेसरीज लगाना यार जरूरी ही होता है। कि जैसे देखो फ्लोरिंग, अब इसमें फ्लोरिंग नहीं रखी, मैट्स भी नहीं आए गाड़ी में, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ना नीचे ना लाइट्स ही लगवा देंगे, वो ब्लू वाली, वो भी अच्छी लगेंगी। और फ्लोरिंग का ना मतलब यार नीड पड़ी जाती है प्रॉपर, क्योंकि हमारा मोस्टली हिमाचल आना जाना रहता है, तो गाड़ी में कुछ ना कुछ चीज़ें गिरी जाती हैं, तो फ्लोरिंग तो करवानी ही करवानी है। एंड दूसरी चीज़ है कि इसमें साइड बीडिंग का देखेंगे, नहीं तो मैट्स बिछवाने हैं। और दो तीन चीज़ें वहीं आगे वीडियो में देख लेना क्या क्या लगेंगी। बाकी कोशिश करेंगे जितनी गाड़ी नहीं खुले पर भाई फ्लोरिंग करवाएंगे, पूरी गाड़ी तो खुले ही खुलेगी, सीटिंग अलग हो जाएंगी पूरी। तो देखते हैं कितना कितना टाइम लगता है और क्या क्या कॉस्टिंग पड़ती है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो लगवाएं एसेसरीज के तौर पे। इस वीडियो में सारा पता लगेगा विद प्रॉपर प्राइसिंग, क्योंकि देखो प्राइसिंग ना वेरी कर सकती है। अब मैं रहता हूँ फरीदाबाद में, बहुत से लोग बोलेंगे कि तुम करोलवा क्यों नहीं जा रहे, इधर राइट ले लो, कि तुम करोलवा क्यों नहीं जा रहे। पहले ना मैं मास्क लगा देता हूँ, आजकल मास्क का ना चलान होता है बहुत गाड़ी के अंदर भी। तो गाइस बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि तुम करोलवा क्यों नहीं जा रहे जब दिल्ली में रहते हो। एक्चुअली गाइस करोलवा के यहाँ से दूर है, मतलब मेरा मिनिमम 500 से 1000 रुपये का तेल तो करोलवा जाने में लग ही जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा वो 500 से 1000 तो कम कर लो, और थोड़ा बहुत यार 100-200 रुपये महंगा पड़ जाएगा वहाँ से। एंड मेरे नियरेस्ट ही है शॉप, कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं आके दिखा लूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। एंड PPF वगैरह गाड़ी पे हुई गई है, अगर वो वीडियो आई नहीं है अभी तक चैनल पे, क्योंकि थोड़ी सी उसका पार्ट बचा है शूट करना, वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी। एंड PPF भाई एक नंबर की भी, अगर आप मतलब सोच रहे हो नहीं कर देना तो ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार। एंड देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या लगवाते हैं, तो मिलते हैं आगे। बहुत ही जल्दी हमने सामान वगैरह सब लगवा लिया, अभी मैट्स वगैरह कुछ नहीं बचे क्योंकि भैया के पास मैट्स थे ही नहीं ना फ्लोरिंग थी। तो अब हम जा रहे किसी और शॉप पे। एंड ये देखो गाइस, हमने शिव जी जी रखवा लिए हैं, भोले बाबा जी रखवा दिए हमने गाड़ी में। एंड वो आई पॉप वगैरह लगाए उन्होंने, मैं जब गाड़ी रुकते तब दिखाता हूँ गाइस। हुआ क्या ना, जैसे मैं शॉप में घुसा वैसे ही 3 से 4 अर्जेंट कॉल्स आने लग गए भाई। मतलब जब काम था तो सारे कॉल, तभी ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और अब किसी की कॉल नहीं आ रही। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, किसी की कॉल ही नहीं आ रही है गाइस। मतलब मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिला यार। तो मैंने अभी माला वगैरह ले लिया भोले बाबा जी के लिए, अब भोले बाबा जी पे पहली बार चढ़ाते हैं हम माला। ये देखो राइट हैंड से चढ़ाता ना गाइस, फर्स्ट टाइम। जय हो भोले बाबा। और थोड़े से फूल भी चढ़ा देते हैं गाइस। जय भोले बाबा। तो गाइस अभी हम आए हैं जिंदल कार एसेसरीज पे। एंड कार में अब फ्लोरिंग करवा रहा हूँ मैं, और स्किड प्लेट स्कफ प्लेट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैट्स लगवा रहा हूँ। अब गाइज हो गया रहा है कि भैया को ना डर लग रहा है गाड़ी खुलवाने में, और इनकी शक्ल देखो भाई कैसी हो रखी है, ये सोच रहे पूरी नई गाड़ी खोल दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैं क्या चिल करो ना यार, गाड़ी तो खुलती उलती रहती है। अरे देखो इसका तो पूरा बम्पर ही खोल रहा है, पेचकस ला रहा है, चिल मार रहा है। गाइज देखो भैया की शक्ल देखो एक बार, कह रहे नई गाड़ी खोल दी। कोई नहीं गाइज, ऐसा होता है यार, हमेशा लगता है कि नई गाड़ी खोल दी ये कर दिया वो कर दिया, बट भाई फ्लोरिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, ये ज़रूरी ही होती हैं। अगर ये सब कार में नहीं कराओगे ना तो फिर वो है कि ड्रायर मारो, ये करो वो करो, ये उससे खींचो। तो यहाँ पे ना इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसकी मोटर है,
तो ये खुलेगी और फिर सीट निकलेगी। तो यहाँ पे खुल चुकी है एक सीट, हेडरेस्ट भी काफ़ी बड़ी सीट है, और ये तो येरी सीट वीट। अब ये दूसरी सीट खुलने जा रही है एंड पीछे का भी खुलेगा। हैं क्या लग रहा है? गलती कर दी आखिर। कोई नहीं, यही सवाल ना एक महीने बाद पूछूंगा, ठीक है? ठीक है, यही सवाल एक महीने बाद पूछूंगा कि गलती करी नहीं करी। तो गाइस ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, यही सवाल भैया से एक महीने बाद पूछूंगा एंड फिर इनका रिएक्शन जानेंगे। ठीक है, ठीक है, डील डन है। तो थम्स अप तो मार दो गाइस। ये कैमरा ऑन है इसलिए मुझे लग रहा है, नहीं तो इनका मूड खराब हो चुका है। यहाँ पे दूसरी सीट भी निकल चुकी है एंड ये देखो हुंडई की बिल्ड क्वालिटी। ये क्रेटा में भी यही है और वरना में भी। गाइस ये है फ्यूल टैंक। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, कल रोड ट्रिप पे जा रहे हो आप, ठीक है, आगे की दो सीट रखवा लो, पीछे पे गद्दा बिछा देते हैं, मज़ा नहीं आ जाएगा। ना छेड़ो हमें हम सताए हुए। तो यहाँ से पूरी धूल मिट्टी निकल रही है पहले अंदर से, और यहाँ पे पूरा इसका प्लग है तो यहीं से ले रहे हैं कनेक्शन वगैरह। कनेक्शन एसी कर देता हूँ मैं ऑफ। तो भैया यहाँ से पूरी धूल मिट्टी निकाल रहे हैं पहले अंदर से। क्योंकि गाइस फ्लोरिंग होनी है ना, तो धूल मिट्टी निकल जाए पीछे से तभी सही रहता है। अब ऐसे धूल मिट्टी में तो फ्लोरिंग कर रहे हैं नहीं। भैया कुछ कह रहे थे आप पहले, क्या कह रहे थे? पहली चीज से ठीक लग रही है। अब बोलो। पहली चीज से ठीक लग रही है। तो ये पहाड़ी में कह रहे हैं कि पहली चीज है जो मुझे अब अच्छी लग रही है खुलने के बाद गाड़ी। यहाँ से पूरा साफ कर दिया। तो यहाँ से गाइस फ्लोरिंग चालू हो चुकी है। हाँ यार क्वालिटी तो सही है, मेरी वाले में इससे थोड़ी कम है। एंड ये फिनिशिंग बढ़िया से कर देना भैया। अच्छा अब मैं कपड़ा वपड़ा वैसे मार लूँ पूरा ढंग से, गीला गीला कपड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? फिर ऐसे सेट करना कि अंदर ना जाए धूल वूल। तो अब पूरी फ्लोरिंग होने देता हूँ गाइस, फिर दिखाता हूँ एक बार इसकी लुक। तो गाइस अब यहाँ पे ऐसे सेट हो चुका है, अब ये जो चीज़ है वो इसके अंदर जाएगी जैसे यहाँ पे गई हुई है। तो अब भैया उधर से सेट कर रहे हैं, फिर इसके बाद ये जो चीज़ है इसके अंदर चल जाएगी ऐसे। तो मतलब यहाँ पे नट भी नहीं लगाया कोई, ऐसे ये वाला नट है जो खुलेगा और ऐसे ऐसे चल जाएगा अंदर है। तो क्वालिटी वाइज तो बहुत जहर लग रही है, अब पानी गिरा के देखेंगे। हाँ हाँ तभी तो टेस्ट होगा, ऐसे कैसे टेस्ट हो जाएगा अंकुश चौहान जी? नहीं भाई गाइस, भैया को ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, पर ये जो फीलिंग है हटाने की मजा आया, यही तो फीलिंग है। ऐसी ही रबड़ सी जो है निकल जाती है एंड इसके अंदर डाल रहे हैं भैया, पूरी फिनिशिंग हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड से अगर मैं दिखाऊं, ज़्यादा ना टाइम नहीं लग रहा इसमें, मतलब अभी हमें मुश्किल से 40 मिनट हुए होंगे। और एक चीज़ जो है यार डिसएडवांटेज लगी मुझे इस फ्लोरिंग की, कि ये देखो गाइस इसमें जो है यहाँ पे है ही नहीं है, मतलब कंपनी ने मुझे जो सैंपल दे रखा है वहाँ से निकाला यहाँ डाल दिया। तो मैं सोच रहा हूँ इसे चिपकवा दूँ उससे फेविकोल है फेविबॉन्ड से तो सही रहेगा। और यहाँ से पूरी खोली है एंड अब इसके अंदर टकिन हो जाएगी है। ये देखो ऐसे। तो गाइस यहाँ से थोड़े थोड़े से काट दिए फ्लोरिंग और ऐसे दिखे एंड यहाँ से ये सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह
सब निकल चुकी है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब। तो गाइस यहाँ पे फ्लोरिंग जो है वो डन हो चुकी है, तो क्या फिनिशिंग आ रही है, अलग टाइप की सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे तो फ्लोरिंग करा के। ये देखो पूरी यहाँ से, और रिंकल्स देखो कितने कम दिख रहे हैं, थोड़े बहुत दिख रहे हैं, और ये जो हैं ये विजिबल हैं, बट ये थोड़े से टाइम बाद जैसे जैसे गाड़ी में मैट वगैरह रखेंगे, चढ़ेंगे बैठेंगे बंदे, तो ये चले जाएंगे। पीछे से लेग स्पेस देखो गाइस इतना कम है गाड़ी। एंड ये मिल रहे हैं ना, ये पुराना वाले हैं क्योंकि यही वाले हैं, ये वाले हाँ नए वाले हैं। अच्छा गाइस इसमें ना डल चुके हैं मैट्स वगैरह सब, एंड ये वाले मैट टूट गए हैं क्योंकि जो ग्रास वाले मैट्स नए आ रखे थे लगता है। ये देखो स्लिप व्लिप कुछ नहीं हो रहे और पूरे फिट हो गए हैं, ये कट भी जाते हैं बट कटवाए नहीं मैंने। एंड अब वो हैंड रेस्ट जो निकाला ना वो डाल रहे हैं भैया, इन्हें चला के इन्हें बिना इनके ना मज़ा सा नहीं आता, वो हटा देते हैं लोग पर सही नहीं लगता वो। भैया भी कह रहे थे हटा देता हूँ सही लगेंगे, घर पे रख दूंगा हैंड रेस्ट। नहीं नहीं सिक्योरिटी पॉइंट से भी ना सही रहता है, सेफ्टी पॉइंट से भी है। ले लो पूरी जगह लो और लेटा चला जाने, एक बार बैठ के देखो पहले। अपनी गाड़ी में पीछे बैठने में मजा आता है, और ये देखना कितना सही लग रहा है पीछे, कितना तगड़ा टच हो रहा है यार। अब कवर हटा रहे हैं पीछे वाले का, हाँ हटा देंगे ना। तो गाइस पहली बार हटाओ हटाओ हटाओ, चल पहले पे करके आते, ठीक है निकलते हैं फिर घर भी जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, फाइनली सीट के कवर्स निकल रहे हैं। ये देखो ये तो पहले फाड़ ही देता हूँ, मज़ा सा नहीं आता यार इनके साथ चलाने में, अनबॉक्सिंग टाइप। निकालो फाड़ो, फाड़ दो मत, फाड़ मत तो घर थोड़ी ले जाओगे ना। निकाल इसको, हेडरेस को निकालना इडियट। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, निकाल। अरे निकलेगा थोड़ी हेडरेस निकल जाएगा, निकल। कैसे निकलेगा करो और भी, ठीक है अब इसका भी निकाल दो। रबड़ वबड़ रख लो ना, यूज में आ जाएगी। तो पीछे वाली हटा दी मैंने गाइस, अब देखो कितनी मस्त लग रही है, अब लग रहा है ना बढ़िया। तो भैया पहले एक मिनट स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कैसा लगा काम? काम ठीक था, बस प्रॉब्लम किस चीज़ की है? गाड़ी खुल गई ना? नहीं नहीं अरे इतना मत डरो, डरने वाली बात नहीं। और ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ अब तो दिखा रहा है, अब देखो फिर दिखा रहा है ऑन है, अब ऑफ करो। चलो ठीक है। एंड गाइस अब हमने जो काम कराया ना गाड़ी में वो ये आई पॉप के पॉप जो होते हैं ये लगाए हैं, भोलेनाथ जी रखवाए हैं, एंड ये करवाई है हमने फ्लोरिंग नहीं, ये डलवाया मैट और इसके अंदर डलवाई है फ्लोरिंग। तो गाइज अब हम रेट की बात करें कितने लगे, पहले सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। सीट बेल्ट हमेशा लगाओ गाइज जब भी जाओ, यहाँ पे डाल देता हूँ पहले घर पर। ड्राइव मी होम, लोकल सर्च वाज अनएबल टू फाइंड अ रिजल्ट। हाउ कैन आई हेल्प यू? ड्राइव मी टू SLF मॉल आईपी कॉलोनी। इंग्लिश तो बहुत अच्छी है यार आपकी। ड्राइव मी टू SLF मॉल। यूटर्न कहाँ से बता रहा है ये? छोड़ो। तो मैं इस रेट की बात करता हूँ मैं। भोलेनाथ जी कितने बड़े हैं? 250 के भोलेनाथ जी पड़े हैं। ये जो आई पॉप के पॉप है गाइस ये पड़ा है 310 का है, 310 साढ़े तीन सौ
350 का डला है, बट ये है ओरिजिनल वाला। इसकी जो क्रोम है कभी ब्लैक नहीं होगी। मैंने अपनी गाड़ी में डलवाया था 150 का, वो ब्लैक हो गई थी क्रोम उसकी, बेकार। एंड अभी इसने गारंटी दी है कि नहीं होगा ख़राब कभी भी और ब्लैक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एंड मैट की बात रही, मैट डले हैं 900 के मैट्स डले हैं। एंड ये क्या है, इसमें जो है ये थोड़े बकेट फिनिश में है, ग्रास वाले मैट्स नहीं है यार। ग्रास वाले मैट्स लुक में अच्छे लगते होंगे लेकिन उनमें ना मिट्टी मिट्टी फंस जाती है और उनमें जो है ना पोछा वगैरह नहीं मारा जाता, तो वो मुझे सही नहीं लगते। एंड वो प्रैक्टिकल होते भी नहीं है, 10-12 दिन में धूल से निकलने लग जाती है उनमें। ठीक है, थोड़े प्रीमियम से फिनिश में रहते हैं बट ठीक है भाई, यही बढ़िया लगते हैं। एंड फ्लोरिंग जो हुई है वो ये कितने की, 2000 की फ्लोरिंग हुई है। एंड इसकी जो क्वालिटी है सही है, और जो मैंने कराई थी फ्लोरिंग वो कराई थी मैंने 1400 रुपये में आइटन में, बट उसकी थोड़ी सी क्वालिटी इससे बेटर नहीं थी। सारा रेट था, अब ठीक है भाई, सस्ती भी मिलती होगी कहीं, अच्छी भी मिलती होगी, बट हमें तो यही रेट पड़ा। एंड ये करवाया है, अब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और चीज़ें करवानी है हमें। एंड PPF की वीडियो भी जल्दी आएगी चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, अभी तो वरना ही बहुत सारी वीडियोज पेंडिंग में हैं, तो मिलते हैं, ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं चल रही है, ये देखो वैसे दबा रहा हूँ, इसे दबा रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रही। यहाँ से AC भी ऑन कर दिया, फिर भी दबाया, फिर भी ऑन नहीं हो रही। तो ये जो उसने सीट्स खोली थी ना, जो सीट्स खोली थी उसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हो जाती है, मतलब बाहर से गाड़ी खुलवाओ और एक फीचर काम नहीं कर रहा। अब देखते हैं, पूछते हैं उससे क्या सिस्टम है, कैसे ऑन नहीं हो रहा, कैसे नहीं चल रहा। भाई चलते हैं गाइस, अब आ गया, बस थोड़ी देर ही, थोड़ी सा ही दूर है, 750 मीटर है। लाइट वेट मेरा ही होगा, लाइट वेट आ रही है। एंड हो गया, वो थोड़ा सा सॉकेट लूज था, अब बताता हूँ गाड़ी में बैठ के क्या सीन है। अब बताओ क्या सीन था, जो मैंने टाइट किया था ना नीचे किया था, तो तब कोई लूज वूज नहीं था वो, ठीक है, टाइट था। बट इस वाली सीट के नीचे गाइस क्या होता है ना कि एक ना वो पूरी सॉकेट का वो ही होता है, क्या होता है इसके नीचे जो होता है ना एक पूरी असेंबली होती है। मैं दिखाता हूँ, ऐसे दिखे तो आपको, ये पूरी एक ना असेंबली सी है यहाँ पे, ये दोनों वेंटिलेटेड सीट्स का ही है। तो ये उसने जैसे लगाया तो यहाँ पे आ गई लाइट वाइट, फाइनली अब सही हो गया। तो गाइस अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब वीडियो को लाइक कर दो, अब रियल हैप्पीनेस आ चुकी है। बट वो होता है ना कि भाई कुछ ना कुछ होना ही होता है, तो वो हो ही गया है। और वैसे मैं बता दूँ, ये गो मैकेनिक वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं इस आउटलेट को, एंड गो मैकेनिक के ऑफिशियल पार्टनर हैं एसेसरीज़ के मैटर में। एंड एक और चीज़ गो मैकेनिक की जो मैं बताना चाहूँगा, सुबह आने से पहले मैंने कॉल किया था एंड गो मैकेनिक वालों ने मुझे पूरा स्लॉट व्लॉट बुक करने के लिए कह दिया था, 100 रुपये दे के स्लॉट बुक कर लो और उसमें मेरी वेटिंग वेटिंग कुछ नहीं रहती, मुझे आना था सीधा अपना काम करवाना था। तो सीट बेल्ट पहन लेता मैंने एंड वही 100 रुपये में हो जाता। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पर आया, वेटिंग तो कोई थी भी नहीं, और वो मैकेनिक वाले बोलता कि 10-15 मिनट में आपको कॉल आएगी स्टोर से, अभी तक कॉल नहीं आई, काम करा के भी निकल रहा हूँ मैं। तो ये आप सेटिस्फाइड, खुशी हो रही है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। हाँ वो, और वो हुआ पता है क्या, कवर हटाए गाड़ी के एंड वेंटिलेटेड सीट, अब कवर हटाने के बाद अभी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भैया ने देखा कि करता हूँ ऑन वेंटिलेटेड सीट, थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो भाई साहब चल ही नहीं रहे, और वो तो पास में यू टर्न मार दिया, नहीं तो कल भैया ट्रिप पर जा रहे हो तो हो जाता, मेरा काम हो जाता और भैया का मेरे को सुनाते, मैं इसे सुनाता और फिर हो जाता एक्चुअल रिव्यू। तो गाइस इतना ही था, अब चलते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 टाटा।
गुड बाय।